आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति ग्रंथ में बताई हुई ऐसी तीन निशानी जो एक गंदी और एक घटिया औरत के अंदर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि गंदी औरत को कैसे पहचाने तो आज का यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका ही YouTube चैनल ऑल इन्फो अपडेट। सबसे पहली जो निशानी है वो कौन सी है दोस्तों, कि जो औरत शादी होने के बाद अपने पति को छोड़कर किसी भी दूसरे पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, या फिर अगर कोई औरत शादी होने के बाद अपने पति के सामने किसी भी दूसरे पुरुष की तारीफ करे। तो दोस्तों, चाणक्य ऐसा कहते हैं कि किसी भी औरत को शादी होने के बाद अपने पति के सामने किसी भी दूसरे पुरुष की तारीफ नहीं करनी चाहिए और किसी भी दूसरे पुरुष के साथ प्रेम संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। और अगर कोई औरत यह दो काम करती है तो वह औरत चाणक्य के अनुसार एक बेकार और एक घटिया और एक गंदी औरत होती है। जो दूसरी निशानी है वो कौन सी है दोस्तों, कि जो औरत शादी होने के बाद अपने पति के माँ बाप के साथ यानी कि उसके सास और ससुर के साथ हमेशा गलत तरीके से व्यवहार करे। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि चाणक्य ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी औरतें अपने सास और ससुर के साथ हमेशा झगड़ा करती है और उनके ऊपर हमेशा छल कपट करती है, और कोई औरतें अपने सास और ससुर को घर से बाहर निकालने की भी कोशिश करती है। तो दोस्तों, चाणक्य ऐसा कहते हैं कि जो औरत अपने सास और ससुर के साथ हमेशा गलत तरीके से व्यवहार करती है वह औरत एक गंदी और एक घटिया औरत होती है। जो तीसरी निशानी है वो कौन सी है दोस्तों, कि जो औरत शादी होने के बाद अपनों से बड़ों के साथ यानी कि उसके पति के साथ और उसके सास और ससुर के साथ या फिर उसके बड़े देवर के साथ हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करे। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य ऐसा कहते हैं कि हर औरत को शादी होने के बाद अपनों से बड़ों का यानी कि उसके पति का, उसके सास और ससुर का या फिर उसके बड़े देवर का हमेशा आदर करना चाहिए, और जो औरत अपनों से बड़ों के साथ हमेशा ऊंची आवाज में बात करती है वह औरत चाणक्य के अनुसार एक गंदी और एक घटिया औरत होती है। तो दोस्तों, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें।